आप सारे कबूतर देखिए और किस तरीके से ब्रीडिंग सेटअप है वो भी देखिए, देसी स्टाइल। और कबूतर सब गहरे जामनी गर्दन के भरे हुए, फीके भी है, छापदार भी है। क्या बात है, माशाल्लाह। मेन कबूतर है रामपुर की जो पहचान है, जो शान है, जो कि पूरे वर्ल्ड में, हिंदुस्तानी नहीं, हिंदुस्तान के बाहर भी जो कंट्री है वो भी इन कबूतरों के लिए लेने के लिए तड़पती है। अब आ चुके हैं नेक्स्ट छत पे। पहले आपको इनके और भी दिखाते हैं। एतराफ में काफ़ी जाले हैं, देख सकते हैं बड़े बड़े। और इनसे मिलाते हैं, ये है हमारे अप्पी भाई। और कबूतर देखिएगा माशाल्लाह। ये रामपुर की दूसरी छत पे हम आए हुए हैं आप लोगों को शौक कराने। अस्सलाम वालेकुम अप्पी भाई। खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह। और ये सलाम शानू भाई और अपने रियान भाई। और माशाल्लाह कबूतरों की क्वालिटी देखिए, रामपुरी कबूतर हर कलर के इस वक्त नज़र आएंगे। और जो एक ख़ास कलर जो है यहाँ की जो पहचान है मेन, वो भी आपको दिखाएंगे। ये देख सकते हैं। और अभी आपको दिखाते हैं एकदम, ये जाला खुलने के बाद जो शॉक करने को आपको मिलेगा कि आपका दिल खुश हो जाएगा। ये देख सकते हैं माशाल्लाह, शॉक करिए कबूतरों का। जी जी जी, अंदर का भी मैं शौक कराऊंगा इंशाल्लाह। ये देखिए अंदर का, आप सारे कबूतर देखिए और किस तरीके से ब्रीडिंग सेटअप है वो भी देखिए, देसी स्टाइल। और कबूतर सब गहरे जामनी गर्दन के भरे हुए, फीके भी है, छापदार भी है। क्या बात है माशाल्लाह। ये देखिए, ये मेन कबूतर है रामपुर की जो पहचान है, जो शान है, जो कि पूरे वर्ल्ड में, हिंदुस्तानी नहीं, हिंदुस्तान के बाहर भी जो कंट्री है वो भी इन कबूतरों के लिए लेने के लिए तड़पती है। ये वो नस्लें हैं जिन्हें हम रामपुरी कबूतर कहते हैं। अभी ये अंदर के तरफ है, बाहर भी कुछ कबूतर खुले हुए, उनका भी शौक करेंगे। इनके बाजू में जहां से कबूतर उड़ाए जाते हैं वो भी आपको दिखाएंगे। तो ये बाबू भाई के हाथ में देख सकते हैं एक कबूतरी है, ये फीमेल है। इसे क्या कहेंगे बाबू भाई? ये गहरे कबूतर, गहरे कबूतर इसे कहा जाता है यहाँ पे। और ये इनकी आंखों का शौक करिए माशाल्लाह। ये जर्रेदार आंखें होती हैं, जर्रेदार आईज। एक्चुअली ये ओरिजिनल ही आईज होती है। अच्छा अच्छा, रामपुरी कबूतर की जो मटमैली आँख होती है वो बनाई जाती है। अच्छा अच्छा। और कुछ कबूतर ऐसे होते हैं जिनकी जो आँखें जो होती वो उम्र पे जाके, जैसे इंसान है, हाँ, जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है उसकी आँखें काली होती हैं। बराबर बराबर ऐसा है, पैदा निकलते ही पैदा होती काली आँखों का नहीं होता है। क्या तो ये जो है ना, ये इसकी आईज क्लोज कीजिए, इसमें आप देख सकते हैं थोड़ी धूप भी आ गई है आँखों पे। और इनकी जर्रात के बारे में आप क्या बताना चाह रहे हैं? ये ओरिजिनल कबूतर होते हैं जिनकी आँखों में जर्रात होते हैं जी। ये ओरिजिनल की निशानी यही है, जो रामपुरी कबूतर होते हैं वो जर्रात वाले ही ओरिजिनल होते हैं। अच्छा। और जो वैसी जो आँखें होती हैं वो भूरों से बनी होती हैं, भूरों भूरे कबूतर जो होते हैं। मैं एग्जाम्पल भी देता हूँ साग का, कबूतर भी दिखा सकता हूँ। चलिए ठीक है, इसे जगह छोड़ के भी दिखाइए व्यूअर्स को कबूतर कैसी है। देख सकते हैं एकदम साफ बदन की है माशाल्लाह। और कबूतर देखिए माशाल्लाह, साफ बदन, भरी गर्दन, काली दूम। ये इसका नर है। और नर का भी शौक करिए जी। ये इसका नर है,
ये ओरिजिनल, बिल्कुल ओरिजिनल हालत में इसकी आईज देख सकते हैं। इसकी आंखों में भी जर्रात नजर, ये भी जर्रात वाले हैं। इधर ये देख सकते हैं माशाल्लाह जर्रात, ये ओरिजिनल कबूतर। तो शौक करिए भाई, कमेंट भी करिए, ये खास करके रामपुर आप लोगों के लिए आए। ये रामपुरी कबूतर जो ओरिजिनल है ये। जी जी जी, और माशाल्लाह एक से एक कलर यूनिक देखने को मिला यहाँ पे। जी ये देखिए, और ये सेकंड कबूतर देखिए, इसकी आंखों के बारे में क्या बताएंगे? वैसे ही सब, ये इसकी आंखों में थोड़ी लालपन नजर आ रही है। हाँ, घेरा है इसकी आंखें, देख सकते हैं। रामपुरी कबूतरों में लाल रिंग भी नजर आ रही है, ये भी रामपुर की ही नस्ल है। और थोड़ी बातचीत भी करेंगे, काफी कबूतर है, काफी वीडियो भी बनेगी इस वक्त रामपुर में। ये कबूतर देखिए, साफ बदन का, और ये देखिए, इसी आइस की बात कर रहे थे आप, भूरो में से जो आप बोल रहे थे जी। ये देखिए, इसको कजरी आग बोलते हैं, ये गदली आँख बोलते हैं यहाँ पर। और ये तो उम्रदार कबूतर है, इसके लिए इसकी आँख ऐसी हो गई है। बाकी ये गोल्डन कबूतर है, गोल्डन जो आप कहेंगे, गोल्डन गजरा कबूतर कहेंगे। जी जी जी, सिलेटी में पुराना कबूतर है, काफ़ी काफ़ी पुराना है। एक कबूतर मैं अपने पसंद से भी बताता हूँ व्यूवर्स को शौक कराने के लिए, ये काफ़ी कबूतर है और सभी माशाल्लाह एक से बढ़कर एक कबूतर है। आप देखिए, ये बड़ा वाला कबूतर पकड़िए, जिसकी बात कर रहा था वो खुद जनाब बाहर तशरीफ ले आए। ये देखिए, इसकी तो बिल्कुल काली आँख है, ये वो बारी आँख है। और देख सकते हैं माशाल्लाह, एकदम बिग साइज का कबूतर है, फूल लिए हुए। और बुलावा आ गया, छाया आ गई छत पे, ये मादी है इसकी। ये देखिए, जोड़े लगाने का भी एक अलग तरीका होता है, आप लोग देखिए। बहुत बड़ी साइज का नर है, और मादी भी देख सकते हैं और नर भी देख सकते हैं। हाथ में कबूतर पकड़ते नहीं, बस आप भाइयों के लिए शौक कराने के लिए आप लोगों को कबूतर पकड़ के दिखाए जा रहे हैं, क्योंकि कबूतर देख के ही आपको लग जाएंगे कि ये कबूतर हाथ में पकड़े नहीं जाते, क्योंकि इतने साफ सुथरे और सॉफ्ट कबूतर है माशाल्लाह। बस शौक के लिए आप लोगों को पकड़ के दिखाए जा रहे, और भी आप लोगों को कबूतर दिखाएंगे नेक्स्ट पार्ट में, जो कि देख सकते हैं फड़क लग चुकी है, उनकी भी वीडियो आप लोगों को कवर करके दिखाएंगे नेक्स्ट शॉट की। ये देख सकते हैं, यहाँ पे इन्हें चीने कहा जाता है, जो कि हमारे मुंबई में इन्हें कलंच कहा जाता है, कलंच रामपुरी, और यहाँ पे चीने कहा जाता है। तो आप फर्क देखिए, कबूतर एक ही है लेकिन नाम दो है, एक चीने और एक कलंच। काफी बड़े बगल के कबूतर है, चलिए अभी चलते बाहर। ये देख सकते हैं, ये फीका, एकदम फीका कबूतर है, इसको भूरे आप बोलते हैं। अच्छा, देखिए भुर्रा बोलते हैं यहाँ पे इस कबूतर को, और हमारे इधर एकदम फीके कबूतर, जो फीके रामपुरी कबूतर बोलते हैं, मैंने इनका शौक किया है, वहाँ पे फीके कहा जाता है लेकिन यहाँ पे भुर्रा कहा जाता है। तो आप देखिए भाई, एक से क्वालिटी, और इसे क्या कहेंगे? ये भूरों में लगेगा, भूरों में पट्ठे में से अभी है। ये अभी पट्ठा तैयार हो रहा है। तो आप शौक करिए, और शौक करके बताएं आपको परिंदे कैसे लगे, और ये किस नाम से फेमस है यहाँ पे जिनके शौक कराए जा रहे हैं? दूध वाले। दूध वाले तो बाहर खड़े हैं माशाल्लाह, काफी बड़ी छत है। अभी उसका भी नेक्स्ट पार्ट बनाएंगे, जब तक के थोड़ा ब्रेक लेते हैं और नेक्स्ट पार्ट में आपसे मिलते हैं। जब तक के इजाजत दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़, और लाइक जरूर करिएगा भाई।